मध्य प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस सघन तलाशी अभियान चलाएगी। गृह विभाग ने सभी पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। पुलिस इसके लिए मुस्तैद हो गई है। वहीं खारगोन उपद्रव के 106 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी उपद्रवियों पर 10,000 रुपयों का इनाम भी घोषित किया है। गृह मंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रशांत कुमार के आने से उनमें अभी से घबराहट है। 159 है, 106 आरोपी अभी फरार हैं, जिन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। लेकिन ये तो इतनी बात तो सत्य है ही ना कि जहां भी हिंदू को अपमानित करने की बात होगी उसको वो जरूर कोर्ट करेंगे। पुलिस थानों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश जारी किया है कि जो विदेशी घुसपैठिए प्रदेश में कहीं रहते हैं तो एक सघन अभियान संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाएंगे। मकान मालिकों से दरियाफ्त करना, लोगों से दरियाफ्त करना, इंटेलिजेंस के माध्यम से जानकारी लेना, लेकिन एक अभियान चलाकर इनकी शिनाख्त करने के लिए निर्देश संपूर्ण मध्य प्रदेश पुलिस को दिए। प्रशांत भूषण की आने की आहट से इन प्रशांत किशोर के आने की आहट से इन बुजुर्गों में घबराहट है। ये कोई विचार विमर्श नहीं, कोई एकता नहीं है, ये प्रशांत किशोर के आहट की बेचैनी है, इसलिए एड़ियां रगड़ी जा रही। दिग्विजय सिंह सहमत नहीं है लेकिन पीछे से। दिग्विजय सिंह जी हो भी नहीं सकते हैं क्योंकि सवाल उत्तराधिकारियों को स्थापित करने का है। प्रशांत किशोर के आने से ये संभव तो नहीं होगा। अक्षय कुमार जी ने ये क्या है, बी टीम जो कांग्रेस की है ना, ये मैं रोज कहता हूं ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सीपर सेल है। प्रतिदिन कहता हूं, आप देख भी रहे होंगे, ये कभी आपने देखा कि कश्मीर के लिए खड़े हुए? अभी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, काट डाले गए हिंदू, लेकिन खड़ा हुआ इनमें से कोई नहीं, लेकिन सवेरे ही पहुंच गए, रात में कोर्ट खुलवाई है इन्हें, रात में, ये वो स्लीपर सेल है। और इसके लिए आए जाके हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं, पर बाकी की चीजें भी देखना चाहिए। सर कल तीनों